बेटा, लेट्स कंटिन्यू विद द रिवीजन। आ जाओ दिव्या, करो स्टार्ट। कॉल कर आशना कम। नहीं वहीं कर दो आप। जसलीन, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू ए, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इट विल गिव? एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए, यस, एट ए यू विल ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इफ वाई इज इक्वल टू बी इज गिवन, देन एट बी यू विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x axis. मगन आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन। और अब कर दो,
the struggle. एक मिनट रुको. इसको लिखो ना 5 स्क्वायर. ऊपर लिखो बेटे, नीचे से विजिबल नहीं. क्या मतलब होता है 5 raised to power 1/2 का? 5 raised to power 1/2 का मतलब क्या होता है? √5. क्या होता है मतलब होता है? लिखो √5. ये लिखो या √5 लिखो, एक ही बात है. गो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन. ठीक है, ये ना ऑप्शन आपको रूट में दियो, आप सोचो रूट में तो आई नहीं रही. 1/2 का मतलब है हाफ. हाफ मीन्स स्क्वेयर रूट. 1/3 दिया हो तो क्यूब रूट. 1/4 दिया हो तो फोर्थ रूट. ठीक है, ये ना बैठे रहो लेके ऑप्शन ही ना पता चले आपको. 1/2 का मतलब है स्क्वेयर रूट. और अगर ये ऐसे होता तो क्यूब रूट. और अगर ये ऐसे होता तो फोर्थ रूट ऑफ 5. ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना वेदर इट विल बी इन फ्रैक्शन और इन रूट. ओके, स्टार्ट नेक्स्ट. आ जाओ सौम्या, नेक्स्ट आपकी टर्न है. जसलीन आ जाओ. Fourth question. हाँ जी, क्या हुआ? एक ऐसी इक्वेशन लिखो जो इससे पास करती है. एक्स और वाई पुट करके राइट साइड पे कोई भी नंबर बना दो. खुद बनाने नहीं सिखाई इक्वेशंस? एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा, एक्स माइनस वाई क्या आएगा, ये वैल्यू पुट करके निकालो राइट हैंड साइड. ऐसी कितनी इक्वेशंस फॉर्म हो सकती हैं? इनफाइनाइट. एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और एक सॉल्यूशन से आप इनफाइनाइट इक्वेशंस फ्रेम कर सकते हो. x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई बनाओ एक और. समझ आइए कैसे लिखा है? जीरो आपने ही लिखा है, देख पुट करके क्यों दिखा रहे हो? हो गया, बस इक्वेशन लिखनी है. वेरीफाई हो रही है? चेक करे एक मिनट, वैसे वर्बली बताओ हो रही है? x की वैल्यू माइनस फाइव, वाई की वैल्यू 5 आ रहा है ना, तो बस होगी. सेकेंड लिखो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा? हाँ, और लिखो. ऐसी कितनी इक्वेशंस बनती हैं? दोबारा ये नहीं कहना नहीं आता. क्लास में डेली सुनने के बाद भी नहीं आता, फिर कब आएगा?
जसलीन आ जाओ, ये क्लियर है? इसने फाइव इक्वेशन फ्रेम करी है, ऐसी बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है, आप सबसे पहले वो सिंपल वाली बनाना, और हो सकता है ऑप्शंस गिवन हो, आपको चेक करना हो कि ये सॉल्यूशन किसका है, तो क्या करोगे? अगर फोर इक्वेशंस दी हो और आपसे पूछे कि वैल्यू पुट करके देखोगे, जो वेरीफाई होती है वही इसका आंसर होगा, ये तो आपने बनाई है ना, वहां कुछ भी दिया हो सकता है, करो नहीं डस्टर दे। इक्वल नहीं आएगा, इम्प्लाइज का साइन आएगा ऐसे, हाँ दो इक्वल नहीं आते कभी भी किसी क्वेश्चन में। क्यों माइनस वन है ये, माइनस वन इधर जाके ठीक करो, क्या कर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो भाई? ये वाई है, आप खुद देखो, हम लीनियर चैप्टर कर रहे हैं, वाई है, अब सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो तो एक्स और वाई में आएगा, और अगर नहीं है तो मुझे बताओ आप सारा वाई इसकी कौन से सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो, ये तो आप वेरीफाई कर रहे हो, रब करो एक्स को वन पुट करके वाई निकालो, दैट विल बी द फर्स्ट सॉल्यूशन।
क्यों लिख रही हो बच्चों की तरह, सीधा आंसर लिखो क्या आएगा, लिखो फिर। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या बन गया, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या बन गया, सॉल्यूशन डबल होता है एक्स वाई में, क्या आया फर्स्ट सॉल्यूशन, वन कॉमा माइनस वन, लिखो वन कॉमा, हाँ कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन जो होते हैं देता, डबल इक्वेशन डबल वेरिएबल में डबल सॉल्यूशन आता है, ये दो वाला आएगा, एक और फाइंड करो उधर फाइंड करो। हाँ सबसे पहले मैंने आपको कहा है जीरो फाइंड किया करो, जीरो पुट किया करो, सबसे इजी होता है वो, उसमें गलती भी नहीं होती, एक बार एक्स को जीरो एक बार वाई को जीरो, ठीक है पुट करो। How many such solutions are possible? Infinite solutions are possible. चलो दीप कीर्ति फिर नेक्स्ट आप। क्या हुआ? Write the coordinate of the point where this line meet x-axis. क्या होता है x-axis पे? मैंने पूछा x-axis पे क्या होता है? Y zero होता है, तो y को zero put करना है, बस coordinate आ जाएगा x आ जाएगा। करो। आपको ये पूछा है ना कि x-axis पे कौन से point पे cut करता है? Point means you have to find the coordinate. तो फॉर दिस यू विल पुट y इक्वल टू जीरो, y पुट करोगे यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ x, कोऑर्डिनेट लिख दोगे x कॉमा y, बस जो भी आएगा। जिसमें y जीरो वाला होगा ना वो देखना, और x देख लेना फाइंड करके, जो उसमें से टैली हो जाएगा वो होगा। कंफ्यूज करने के लिए एक्स को जीरो भी पुट किया हो सकता है, ठीक है ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ, किसी अगर कोऑर्डिनेट में एक्स या वाई में से एक जीरो होता है तो वो पॉइंट कहाँ लाई करता है? ऑन द एक्सिस कहाँ लाई करता है, और अगर दोनों पॉइंट गिवन होते हैं तो कहाँ लाई करता है? क्वाड्रेंट। तो याद रखना, ये ना वो पूछे ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, आप क्वाड्रेंट में टिक कर दो। जिस पॉइंट में एक्स या वाई जीरो होता है वो एक्सिस के ऊपर आता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। कोऑर्डिनेट एक्सिस को कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कह सकते हैं, एक्सिस भी कह सकते हैं, ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऑन वर्टिकल एक्सिस। तो कंफ्यूज मत होना, देख लेना ऑप्शन, ठीक है। या ऐसे भी कंफ्यूज कर सकते हैं, द पॉइंट जिसमें वाई जीरो है टू कॉमा जीरो लाइज, आपको कहे ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, फिर कहे ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फिर कहे बोथ ए एंड बी, लास्ट कहे नन, तो कहाँ आएगा? बोथ पे आएगा, फिर तो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर है, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है या ऑन हॉरिजॉन्टल है, तो एक ही तो बात है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये ना सीधा फटाफट आंसर हमें तो ये आता है, आप देख भी लेना उन्होंने क्या दिया है, लिखो कोऑर्डिनेट लिखो क्या आएगा, बहुत इजी है, करो क्या हुआ सॉल्व, लिखना नहीं है बच्चे, कोऑर्डिनेट लिखो क्या आएगा, किस फॉर्म में लिखते हैं कोऑर्डिनेट को, एक्स कॉमा वाई में लिखो, सो द इक्वेशन मीट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट थ्री कॉमा जीरो, क्लियर। चलो जो इक्वेशन दी है उसको वाई की फॉर्म में लिखना है, मतलब वाई एक तरफ बाकी एक तरफ, बस कंपेयर कर लो, एम और सी आ जाएगा।
नंबर एट करो वहां। ये क्या कर रहे हो? वो सेकंड पार्ट है, पहले दो पार्ट है, पहले फाइंड एम और सी करना है, वो नेक्स्ट अलग पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट तो करो। पाई की वैल्यू निकालनी है। दिव्या कर सकते हो? आ जाओ। वाई को इधर बाकी हुआ, इस फॉर्म में लिखना है ना, मतलब ऐसा बनाना है। उसको लिखो ना, उसको टू वाई लिख लिया, बाकी उधर ले जाओ। क्या बनेगा? माइनस थ्री एक्स। अब y लिखो, y ये तो 2y है ना, y लिखो क्या आएगा? सेपरेट कर दो 2 दोनों के नीचे, ठीक है? सॉल्व कर लो, जो होता है वो कर लो सॉल्व। इक्वल डालो, नहीं गलत गलत गलत, इक्वल कहाँ डालना है? ऊपर किससे देखो, ऊपर से। अब ये लिखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लिखो इसके नीचे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब m की वैल्यू क्या होगी बता, वही तो पूछ रही हूँ, क्या आई है? माइनस थ्री बाय टू। और c की वैल्यू लिखो, m इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू, c इज इक्वल टू 9। ये क्लियर है? क्या किया हमने? हमने उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख के कंपेयर कर दिया, एम आ गया, सी आ गया, ठीक है? अब क्या कहता है, इज 4,3 लाइज ऑन दिस लाइन? कैसे चेक करेंगे? पुट करेंगे, अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है? करो। इसमें करो या इसमें करो, एक ही तो बात है। ये वैल्यू इसमें पुट करो या उसमें पुट करो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि वो यही तो है, इसको ही तो वही बनाया है आपने, तो जिधर मर्जी कर दो, इसमें कर दो। अपनी बुक एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना, ठीक है? ये ना हो एक्स्ट्रा के चक्कर में अपनी बुक ही ना रीड करो। सबसे पहले आपकी बुक के जो बेसिक कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन है, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, एंड में दे रखी होती है समरी, और सारी इंट्रोडक्शन रीड करना, फिर एक्सरसाइजेस करना, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा करना, ठीक है? क्लियर है? एक्स्ट्रा अपनी नोटबुक में जितना भी डेली काम होता है ये सारा रिकॉल करना, ठीक है? ये मैंने डिफरेंट बुक से करवाया है, इसमें सब कुछ कवर है। आपको कितने सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं, आप कहोगे तो मैं रिवीजन के लिए और भी सेंड कर दूंगी आपको, ठीक है? मैं कर दूंगी, मैं आज आपको ना मिक्स करके हर चैप्टर के 5-5 एमसीक्यू 40-50 इकट्ठे भेज दूंगी। 2 दिन में आपका एग्जाम है जब, तब कर लेना वो, ठीक है? मुझे उस टाइम रिकॉल करवाना, मैं तब भी एक भेज दूंगी, और अगर आप चाहोगे तो मैं एक और 20 क्वेश्चंस का, 2-2 क्वेश्चंस का वो बना के दे दूंगी। अभी कल संडे है, कल प्रैक्टिस कर लेना, एक एग्जाम में मैं 2-3 बार लगातार सेंड करती रहूंगी, वो कर लेना। मिक्स क्वेश्चंस मतलब मैं सेंड कर दूंगी, कुछ भी आ सकता है, कॉन्ग्रेंसी रूल पे आ सकता है, कितना कुछ, जो बुक में जैसे क्वेश्चंस है वो सारे कर लेना अच्छे तरीके से। रिजल्ट्स आपको लर्न होने चाहिए कि ये, जैसे मैंने आपको उस दिन एक टेस्ट में रिजल्ट था, कल भी बताया था वैसे ही, वो सारे रिजल्ट कल भी एक बताया था आपको, जो आप कह रहे थे प्रूफ करने को, लेकिन प्रूफ करना तो इस टाइम है नहीं,
तो ये जो एंगल होगा इसका हाफ होगा, अगर ये 80 है तो ये 160 होगा, ये इसका हाफ है, ये एंगल इसका हाफ है, तो ये अगर 80 है तो इसका डबल होगा ना, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 30, ये हाफ है इसका, अगर ये 30 है तो इसका डबल और ये इसका हाफ, अगर ये 45 है तो ये 90, ये 70 है तो ये, ऐसे सारे रिजल्ट लर्न कर लेना, रिकॉल कर लेना, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक क्वेश्चन टेस्ट में और भी तो था, एक ट्रायंगल है जिसमें वन एंगल जो है सम ऑफ अदर टू एंगल के इक्वल है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। एक रिजल्ट और भी था, मैंने करवाया भी था आपको, ऐसे ट्रायंगल है, ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये साइड इसके इक्वल है, ये तीनों आपस में क्या होगी इक्वल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका तो तीनों साइड आपस में क्या होगी, तो ये ट्रायंगल क्या बन गया आइसोसेलेस, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। अब इसका मतलब 1, 2 के इक्वल है, 3, 4 के इक्वल है, जब आप इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये एंगल 90 आ जाएगा, ये आपकी बुक का रिजल्ट है, ठीक है। तो ये आपने सारे ऐसे रिकॉल कर लेने हैं, और सॉल्व करो या ना करो रिजल्ट्स आने चाहिए अच्छे तरीके से। आपको आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है, अगर नहीं है तो नेट पे उसको बुक का लिख के नेम चैप्टर्स आ जाते हैं, वहां पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो करके एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स वो रीड कर लेना, 15-20 मिनट लगेंगे आपको एक एक चैप्टर आपका, पहले बुक से करना फिर वहां से कर लेना, उसमें अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है। और जो मैंने आपको नोटबुक पे जितना भी रिवाइज कराया इसको एक बार रिकॉल कर लेना, क्योंकि मैंने आपको जितना जितना कुछ बनता है वो करवा दिया है फिर भी, लेकिन स्टेप्स रिकॉल करने बहुत जरूरी है, अदरवाइज नहीं आएंगे, क्योंकि जब हम मिक्स करते हैं ना तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है। आपको एक और बात भी बताई थी मैंने कि जब भी कोई डाटा जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो आप पहले उसे कॉन्टिन्यूस बनाओगे, टेस्ट में था ना एक ऐसा क्वेश्चन, पहले इंटरवल को कॉन्टिन्यूस बनाना है फिर उसका क्या निकालना है साइज। मैंने आपको ये भी बताया था, मैंने क्लास में भी करवाया था एक ऐसा क्वेश्चन कि अगर कोई इंटरवल ऐसा है 1 to 5, 6 to 11, 12 to 9, 5, 17, अब ये देखो इसका गैप कितना आ रहा है 4, इसका एक मिनट चेंज करना पड़ेगा, ये आ गया, इसका गैप है 4, इसका भी 4, इसका भी 4, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये और ये सेम होना चाहिए, 0.5 माइनस, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 0.5 to 5.5, 5.5 to 10.5, अब डिफरेंस चेक करना कितने का है 5, इसका डिफरेंस चेक करना, पहले कितना था 4 था पहले, अब पहले 4 था 5 है, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूस नहीं थे इसलिए, तो पहले कॉन्टिन्यूस बनाना फिर गैप निकालो, या एक काम कर सकते हो नहीं बनाना, कॉन्टिन्यूस बनाना है तो बना लेना, अगर क्लास साइज पूछे तो क्या करना है इसका डिफरेंस निकाल के 1+ भी कर सकते हो, ठीक है, या आपको कहे इसका कॉन्टिन्यूस बना के दिखाओ, ऑप्शंस में से चूज करना है फिर बनाना पड़ेगा, साइज कहे तो सीधा माइनस करके +1 कर देना, तब जब इंटरवल कॉन्टिन्यूस नहीं है तब, ठीक है, क्लियर है। एक टेस्ट में क्वेश्चन था साइज निकालना है तो इसका निकाल के +1 कर दो, 4 था ना +1 किया 5, उसका भी तो 5 ही है। एक क्वेश्चन आपको और भी बताया था, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है, पहले इसको इधर लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा 6x = 5, जनरल फॉर्म में लिखना है 2 वेरिएबल्स में 6x (0y) - 5 = 0, क्लियर। ए कितना आ गया, बी सी -5, सी कितना आया है -5, उधर से इधर आया, माइनस नहीं होगा, वाई 1 क्यों आएगा, वाई तो है ही नहीं, 1 तो तब आता जब दिया होता, अभी तो दिया ही नहीं हुआ, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कब फाइंड करते हैं, कब फाइंड करते हैं जसवीर, जब इंटरवेल्स का गैप डिफरेंट होता है तब, ठीक है। वैसे जो हिस्टोग्राम में इंटरवेल्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं,
मतलब उनका क्लास साइज सेम होता है, लेकिन जब क्लास साइज सेम नहीं होता, अलग अलग होता है, ठीक है, तब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ही कोई पूछ ले आपसे, फिर क्या होता है लीजफ फॉर्मूला? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है जतिन? वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज इंटू मिनिमम क्लास साइज। लर्न कर लो फॉर्मूला, लिख लो नोटबुक पे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज इंटू मिनिमम क्लास साइज।